दी ब्लैक रूम चैनल फिर से लेके आ गया एक और वीडियो, और इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ एक अतरंगी सा एक्सपेरिमेंट और देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहां पे हमारे पास अभी एक रनिंग सीपीयू है, और इस सीपीयू में हम करने क्या वाले हैं, तो पहले आप देख लीजिए, प्रॉपर तसल्ली कर लीजिए, इसकी जो डिस्प्ले हमने ये कनेक्ट की हुई है और जो सिस्टम है प्रॉपर वर्क है, वर्किंग में है, अभी इसको हम यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सिस्टम में, ठीक है। आपने देख लिया हो जो डिस्प्ले है वो इससे ही कनेक्ट है। अब हम करने क्या वाले हैं, जो HDD या SSD को मदरबोर्ड से कनेक्ट करती है ना डेटा ट्रांसफर के लिए, विंडोज बूट के लिए जो डेटा ट्रांसफर वाली केबल, उसको हम रिमूव करेंगे और देखेंगे कि मदरबोर्ड का रिएक्शन क्या होता है गाइस। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें हमारी वीडियो की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो हम इसको प्रॉपरली रिमूव कर लेते हैं। अगर आपको सिस्टम ख़राब करना है तो कर सकते हैं, अगर नहीं ख़राब करना है तो शांत रहें, आराम से अपने सिस्टम के साथ उंगल ना करें, जैसा चल रहा चलने दें। तो आप देख सकते हैं ये जो डेटा केबल है, ठीक है, जो डेटा ट्रांसफ़र करती है, इसको हमने एक पिन है यहाँ पे, इसको पुश किया, पुश करने के बाद इसको हम निकाल लेते हैं, और भाई साहब देखते होता क्या, जल्दी से विंडोज़ पे चलते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ही एक ब्लैक स्पॉट हो गया जिस PC पे, और माउस यहाँ पर वर्क कर रहा है अभी, लेकिन लैग हो रहा है माउस, क्या बात है, क्या रिएक्शन मिल रहा है देखने को, यहाँ पे माउस लैग हो रहा है गाइस, और यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल। आप देख सकते हैं मैं हल्का सा माउस, और ये क्या हुआ, बिल्कुल सिस्टम शट डाउन हो गया, शायद नहीं शट डाउन नहीं हुआ गाइज, रीस्टार्ट हुआ है, रीस्टार्ट भी नहीं हुआ गाइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो शो हो रहा है, और वो एरो भी चला गया, वाह क्या बात है। तो लगता है सिस्टम ख़त्म हो चुका है, डेड हो चुका है, लेकिन नहीं, सिस्टम आ चुका है बिल्कुल। और ये देखिए यहाँ पे एक जो इसका जो एरर है वो यहाँ पे शो हो रहा है, बूट एंड सेलेक्ट अ प्रॉपर बूट डिवाइस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो बूट डिवाइस है, जो डेटा ट्रांसफ़र की जो SSD या HDD होती है, वो यहाँ से हट चुकी है, उसको प्रॉपर कनेक्ट कीजिए। तो हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम है नॉर्मली बूट हो सकता है, यानी रनिंग में ही हम लगा रहे हैं इसको, शट डाउन नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमने इसको लगा दिया है, और इसको हम फिर से Ctrl+Alt+Delete, जिससे कि सिस्टम हमारा रिस्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल डिस्प्ले पर BIOS बिल्कुल आ चुकी है, और यहाँ से विंडोज़ बूट होती है, यानी देखते हैं। तो गाइस देख सकते हैं सिस्टम बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा है। इसका मतलब है गाइस, इसमें हम अगर रनिंग CPU से हार्ड डिस्क को या SSD को निकाल लेते हैं तो हमारा नुकसान नहीं हुआ, सिस्टम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन हमें पता चल गया है कि अगर हम रनिंग CPU से SSD या HDD जो भी डेटा ट्रांसफ़र की केबल है उसको निकाल लेते हैं तो सिस्टम हैंग भी नहीं हुआ हमारा, और प्रॉपरली थोड़ा वहाँ पे रिस्पॉन्स करने के लिए वो वेट कर रहा था वहाँ पे, जब कुछ हुआ नहीं तो एकदम रीस्टार्ट हो गया और प्रॉपर बूट सेलेक्ट का मैसेज आ गया था। तो इसका मतलब सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, प्रॉपर वर्क कर रहा है, एक बार हम देखते हैं। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो गाइस वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो मुझे सपोर्ट करने के लिए, और घंटे को भी दबा लो ताकि ऐसी उल्टी उल्टी वीडियो आए तो सबसे पहले आप देख सको, और ठीक है वीडियो पसंद आई है तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स सर्किल में, और इस वीडियो में बस इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, टेक केयर, बाय बाय।